आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एप्लेट मार्केटिंग क्वेश्चन टू के आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट करूंगी मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से सवाल नहीं करते तो आपके ऑप्शन मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू कर दो, फिर एक एक करके इनके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ 4 दिसंबर के दिन इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को परफॉर्म करो आपने मेक शो करना है कि आपकी अपनी ही वीडियो होनी चाहिए जो कि आप देख रहे हो। किसी भी पुराने क्वेश्चन की वीडियो जो है वो मत चेकआउट करना, कभी भी अपने बैच की वीडियो को चेकआउट कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन HTML एक्स HTML डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन बी एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर इज कॉल्ड वेब मास्टर कंप्यूटर वेब सर्वर या वेब पेज। वेब सर्वर इसका करेक्ट आंसर होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ ये पूछ क्या रहा है। पूछा है इसने कि हमारे पास जो एक HTML डॉक्यूमेंट होती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अवेलेबल होती है, तो वो हम किस ब्राउजर के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्या वो हमारे पास वेब मास्टर कहलाता है, क्या वो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर कहलाता है, क्या वो वेब सर्वर कहलाता है हमारे पास, या वो फिर वेब पेज कहलाता है? तो देखो यहाँ पर हमने हमारी जो फाइल्स होती है वो बेसिकली हमने सर्वर पे रखी होती है। तो आप घर में बैठ कर जिसके लिए वेबसाइट ओपन अप कर रहे हो तो आपके पास सेम वेबसाइट ओपन होती है, मेरे पास सेम वेबसाइट ओपन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो वेबसाइट सर्वर पे रखी होती है। इसी तरह मेरी वेबसाइट ओपन करोगे अपने पास तो सेम वैसी ओपन होगी जैसे मैंने क्रिएट की है, क्योंकि मेरी वेबसाइट भी मैंने सर्वर पे रखी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास वेब सर्वर। हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड वेब होस्टिंग सर्विसेज वर मोर देन वन वेबसाइट आर होस्टेड ऑन द सेम सर्वर इज कॉल्ड पीपीएस होस्टिंग, विंडोज होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग या फिर शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग होती है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, यानी कि एक आपने होस्टिंग खरीदी और उस होस्टिंग को खरीदने के बाद उसको आपने 3-4 लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन देखो अगर बाकी आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो ना, तो मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आपने शेयर होस्टिंग खरीदी है। शेयर होस्टिंग में क्या होता है कि एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की, एक वेबसाइट आपने क्रिएट की, एक वेबसाइट किसी और बंदे ने क्रिएट की, मैंने और आपने अपनी वेबसाइट पे बहुत बहुत मेहनत की है, ठीक है, और मेहनत करके हमने उसमें अपना एफिलिएट कमीशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। लेकिन जो तीसरा बंदा है ना, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या किया, या तो उसने अपने वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके से वायरस कंडक्ट कर लिया, या फिर उसने अपनी वेबसाइट को जो है वो किसी तरीके से हार्म कर लिया। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो वेबसाइट का पोर्शन शेयरिंग होस्टिंग में खराब होगा, उसकी वेबसाइट गूगल के सैंड बॉक्स में जाएगी, तो मेरी और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ये प्लेंटी आ सकती है। तो कभी भी कोशिश करो कि शेयर होस्टिंग को नहीं खरीदो। वो होस्टिंग तो तुम्हें जो है होस्टिंगर के लिंक से मिलती है, जो शेयर होस्टिंग होती है लोगों को लगता है ये तो हमें इतनी आसानी से मिल रही है ना 15-2 हजार के अंदर, तो वो हमेशा शेयर होस्टिंग होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक बंदे की साइट खराब होगी तो आपकी साइट के भी चांसेस हैं कि वो उड़ जाएगा। उसकी मेहनत तो जाया होगी होगी, आपकी भी करी कराई मेहनत जाया होगी। तो हमेशा अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो अपनी होस्टिंग खुद करी दो। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोड रिप्रेजेंट टॉप लेवल डोमेन .pk.com.org या फिर .net। तो इन ऑप्शंस में से .com जो है वो आपके पास आपका करेक्ट आंसर है। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है कि आपका जो कंट्री डोमेन होता है वो यहाँ पर कंडक्ट हो। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बताती हूँ, मैंने पहले बोला कि यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन होता है, फिर मैंने बाद में गौर किया पड़ता है कि कंट्री लिखा है, जब कंट्री लिखा होता है तो .pk आपका करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन चेंज होकर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टॉप लेवल डोमेन तो .com आंसर होगा, और जब यहाँ पर कंट्री लिखा आएगा तो .pk होगा। जो भी कंट्री लिखी होगी उसके अकॉर्डिंगली चूज करना है। पाकिस्तान के अंदर टॉप लेवल डोमेन .pk का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मैं भी अपनी वेबसाइट के ऊपर .pk का टॉप लेवल डोमेन यूज करती हूँ। .com के कंसीडर में .com की वेबसाइट वैसे भी महंगी आती है, अगर पाकिस्तान में कभी भी अपना टॉप लेवल डोमेन लेना चाहो तो .pk के अंदर ले सकते हो, और अगर लेनी हो होस्टिंग वगैरह तो कमेंट करो, मैं बता दूंगी। जो होस्टिंग मैं यूज करती हूँ काफी अच्छी, काफी सिक्योर्ड है, थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। अच्छा जी, चौथा क्वेश्चन है इस कोर्स में हमारे पास, यूजिंग अ कीवर्ड रिपीटेडली इन एन आर्टिकल इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड मैपिंग, कीवर्ड नेविगेशन, कीवर्ड स्टफिंग, इसका करेक्ट आंसर है।
है किसी भी एक आर्टिकल के अंदर भर भर कर एक कीवर्ड को पुट आउट कर देना कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो एसईओ के कोर्स में भी पढ़ाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में मुझे याद नहीं है कि तुम ये पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। 3-5% आपके पास कीवर्ड रेशियो होता है किसी भी एक आर्टिकल के अंदर, यानी कि अगर मैं 2000 अल्फाज लिख रही हूँ तो 3-5% के अंदर मुझे अपना कीवर्ड रखना है, उससे ज्यादा कीवर्ड मुझे यहाँ पर नहीं रखना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अमेज़न एसोसिएट इट इज कंपलसरी टू ऐड पेजेस इन एफिलिएट साइट अबाउट अस अमेज़न डिस्क्लोजर प्राइवेट पॉलिसी या फिर कॉन्टेक्ट अस। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि अमेज़न एसोसिएट के अकॉर्डिंगली कौन सा यहाँ पर पेज है जो कि आपके एफिलिएट साइट के अंदर लाजमी होना चाहिए। वैसे प्राइवेसी पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चाहे आपकी वेबसाइट पे हो या चाहे अमेजोन में हो वो इम्पोर्टेंट होता है। सिक्स क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यू रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया कितने होते हैं, 100, 50, 40 या 80। कितना आपके पास मिनिमम नंबर होता है किसी भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट को यहाँ पर रिव्यू करने के लिए। वैसे तो ये मोर देन 100 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 100 को सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्दर जाते हैं यहाँ पर, तो 7 क्वेश्चन है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हाउ टू ट्रांसपोर्ट किए बेस्ट क्वेश्चन किए बेस्ट क्वेश्चन किए अंडर 1000 या फिर नन। आपको बताना है कि बेस्ट एग्जांपल कौन सी है इंफॉर्मेशन आर्टिकल के लिए, हाउ टू ट्रांसपोर्ट द किए या फिर बेस्ट क्वेश्चन किए अंडर 1000। इंफॉर्मेशनल पूछ रहा है ना, तो हाउ टू ट्रांसपोर्ट द किए होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पर इसका ये वाला करेक्ट आंसर होना चाहिए, शायद बेस्ट क्वेश्चन किए अंडर 1000 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं हाउ टू ट्रांसपोर्ट करूंगी तो फिर मैं बेस्ट क्वेश्चन किए इसके अंदर पुट कर सकती हूँ। चलो ठीक है, इसको चेकआउट करना, अगर एमसीक्यू गलत होगा तो फिर ये वाला है। ठीक है, व्हाट इज वर्डप्रेस पोस्ट पेज URL पेज और WP सेटिंग। आपने बताना है कि वर्डप्रेस स्लग क्या होता है। बेसिकली तो ये स्लग की जब हम बात करते हैं URL होता है वो हमारे पास हमारे पोस्ट या फिर पेज से रिलेटेड। अच्छा मुझे यहाँ पर करेक्टली नहीं पता, वर्डप्रेस में तो स्लग बनाना सिखाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में आई थिंक कैटेगरीज अगर बनाना सिखाते हैं तो उसमें सिखाते हैं कि स्लग किस तरीके से कैटेगरीज में क्रिएट किया जाता है। 9 क्वेश्चन है, असिशन इन गूगल एनालिटिक्स कंसिस्ट ऑफ द रिपोर्ट जनरेटेड बाय यूजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इंटरेक्शन ऑफ हिट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर फॉर ऑल द टाइम इंटरेक्शन ऑन हिट फॉर अ स्पेसिफिक यूजर ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम अ ग्रुप ऑफ यूजर गेटिंग टुगेदर इन पर्सन टू डिस्कस दैट। हमें बताना है कि सेशन इन गूगल एनालिटिक्स क्या कंसिस्ट करता है। यहाँ पे वो रिपोर्ट जो कि जनरेट की जाए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लोगों पे, या फिर इंटरेक्शन ऑफ हिट फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर फॉर ऑल द टाइम इंटरेक्शन ऑफ हिट फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर ओवर अ डिफाइंड पीरियड से ऐसा लेना अच्छा रहेगा, तो रिपोर्ट जनरेटेड बाय यूजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि देखो यहाँ पर रिपोर्ट जो जनरेट करता है वो हम स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए गूगल एनालिटिक्स में चेक करते हैं, उसमें हम किसी एक यूजर को टारगेट नहीं करते, जितने भी यूजर्स होते हैं उन सबको टारगेट करते हैं, तो इसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। गूगल एनालिटिक्स इस यूज फॉर एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन कह दिए ट्रबल शूट योर वेबसाइट ऑफ पेज ऑन पेज ट्रबल शूट योर वेबसाइट बिजनेस इन द गूगल गेटिंग स्टैटिकल एनालिटिक्स ऑफ द यूजर इसका करेक्ट आंसर है। तो काफी अच्छा सा एफिलिएट मार्केटिंग का कोई स्टूड था, उम्मीद करती हूँ कोई आपको पसंद आया होगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिए थे कि कौन से गलत हुए हैं, और एक क्वेश्चन कोई और सा जो है वो यहाँ पर गलत हुआ है, तो उसको मैं वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, उसको भी चेकआउट कर लेना। बाकी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन से गलत हुए। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे आगे बोले यहाँ पे 7 मार्क्स मेहनत किए हैं, तो आप एट ए टाइम 2 कोर्स करें, मैं एट ए टाइम 15 कोर्स करी हूँ, मैं इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस करती हूँ, तो मेरे प्यारा छोटा सा दिमाग है उसमें मैं सारी चीजें याद नहीं रख सकती। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और कोई ऐसा सॉल्यूशंस अपलोड आउट है चेकआउट कर लेना, और दूसरी बात ये कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स है तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया, तो इसको लाजमी चेकआउट कर लीजिए। ऑल एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पर प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और एक्स्ट्रा टॉपिक के
साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।